मुजफ्फरनगर में प्रेमी ने प्रेमिका को शादी का झांसा देकर अपने जीजा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़ित युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला चरथावल थाना इलाके के एक गांव का है, जहां की निवासी एक युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर गांव के ही एक युवक और उसके जीजा पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने शिकायती पत्र में बताया कि उसका गांव के ही एक युवक शाकिब के साथ 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका प्रेमी लगातार उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। जब उसने उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने उसे अपने जीजा के घर पर बुला लिया, जहां पर दोनों ने उसको नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पीड़ित युवती परिजनों के साथ थाने में पहुंची, जहां पर उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मेरे साथ 4 साल से प्यार को था मेरा और उसका साथी का 4 साल से उसने मुझे ये रखा था, बीवी के साथ में संबंध होता है, मतलब संबंध करता आ रहा था मेरे साथ में 4 साल से। अच्छा। हाँ, उसने मुझे बोल रखा था कि मैं तेरे शादी करूँगा, कोर्ट मरीज करूँगा। मैंने कहा अपने घर वालों को बताऊँगी मैं, तो उसने मुझे धमकी दी मारने की कि तेरे चार भाइयों को मार दूंगा और बाप को मार दूंगा अगर अपने घर वालों को बताया तो ऐसे कोर्ट मरीज करूँगा। अब कोर्ट मरीज का ना टाइम आ गया था तो उसने मुझे अब से 27 तारीख में मुझे बुलाई घर से कोर्ट मरीज के बहाने से आ जाओ। उसने मैं वहाँ पर गई तो उसने मुझे अपने बहनों के घर ले गया आरिफ के, उसने वहाँ पर मुझे ले जाकर मेरे साथ में बलात्कार किया दोनों ने। मुझे पता नहीं क्या सुनाया उन्होंने, क्या वो करा उन्होंने ये मैं जानती ही, लेकिन मैं अपनी होश में नहीं थी। जब मेरी आँख खुली तब देखा मैंने, फिर मैं मतलब फिर मेरा घर छोड़ गया मुझे ये कह के, मतलब 2 दिन का टाइम दे दिया मुझे। बहनों का क्या नाम था? आरिफ। ये चरथावल थाना क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला को शादी का झांसा देके रेप का मामला है। इस संबंध में संबंधित थाने में ने भी संज्ञान ले लिया है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। महिला का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद उसके कोर्ट में बयान कराए जाएंगे, इसी के आधार पर आगे की हम विधिक कार्रवाई करेंगे।